मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जब नेहरू ऐसा कर रहे थे तब सावरकर वगैरह क्या कर रहे थे उस समय? हम तो संविधान के तहत ही कह रहे हैं हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भाई पाकिस्तान क्यों बना मुस्लिम कंट्री? वो हिंदू हृदय सम्राट की वजह से उड़का हुआ, नहीं तो अभी कांग्रेस होती ना उठा करके अभी पुलिस से पिटवा देती, सारे लोग इधर उधर भागे हुए होते। पहले शादी नहीं की क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। लेकिन फिर भी 40 बच्चों के साथ यहाँ पर आ गए, ये प्रोपेगेंडा का कमाल है। आजा संडास दिखाता हूँ। हिंदू राष्ट्र के मांग की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिन्होंने यहाँ पे घास की रोटी खाई, छत्रपति शिवाजी ने लंबी लड़ी लड़ाई, रानी पद्मावती ने खुद को जलाई। अपने इतिहास के कुछ लोगों का नाम लिया महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का शपथ ग्रहण है, ये सावरकर जी का है, ये पृथ्वीराज चौहान की कल्पना है और कई विचारकों है, इसलिए जरूरी है। अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान जैसे लोग भी तो नहीं पता कौन क्या कह रहा है हमारे लिए, जो कौन क्या खा रहा नहीं, हमें जो पचेगा वही खाएंगे। हम जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इसके आधार पे तो फिर संविधान को तो दरकिनार करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको क्या पचता है आप खाइए, मेरी जो रुचि और पचना होगा वही खाऊंगी, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। संविधान का मतलब कोई वो वैल्यू नहीं, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जब हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की आत्मा ये कहती है, संविधान जब बना, जब देश का बंटवारा हो तो यही हुआ कि एक देश बना धर्म के आधार पर और एक हमारा देश बना। देश का बंटवारा जब 1947 में जब देश का बंटवारा किया गया था नेहरू द्वारा, प्रधानमंत्री उनको नेहरू के द्वारा नहीं किया गया। नहीं, आप मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, जब उन्होंने नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के दो टुकड़े करवा दिए, एक को इस्लामिक स्टेट बना दिया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? नेहरू ऐसा कर रहे थे तब सावरकर वगैरह क्या कर रहे थे उस समय? क्यों नहीं बन सकता? नेहरू ऐसा कर रहे थे तब सावरकर वगैरह क्या कर रहे थे उस समय? चलो भैया जो नहीं कर रहे थे अब कर देंगे, कौन सी आफत आ रही है? अब हम मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बने। यही मैं कह रहा हूँ ना, संविधान पे विश्वास क्यों नहीं रहा आप लोगों का? बिल्कुल, हम तो संविधान के तहत ही कह रहे हैं हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हम तो संविधान के तहत ही कह रहे हैं हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं हम सुन रहे हैं। फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड जो संविधान की पूरी आत्मा है, वो आत्मा ये कहती है कि ये जो देश है भारत, ये धर्म के आधार पे नहीं बना हुआ देश है। धर्म के आधार पे तो नफरत वाला एक देश बना था, उसका आशीर्वाद देख रहे हैं तो सारे को इनका, अगर नहीं बना था तो सारे मुसलमान वहाँ गए तो कुछ को क्यों रोक दिया इसने जो नेहरू ने? यहाँ पर तो चॉइस था ना जी, जिसको देश जिसको जो है सो गंगा जमुनी तहजीब में यकीन है, जो ब्रदरहुड में यकीन करता है। भारत भारत का घंटा नहीं है, कोई भी आएगा सहिष्णु बना जाएगा, कोई आएगा सेकुलर बना जाएगा, कोई आएगा कुछ बोल जाएगा, कोई टुकड़े टुकड़े कर जाएगा, भारत घंटा है क्या कोई आकर बजा जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला तो नहीं है ना जी? ये अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला नहीं है। नहीं नहीं, जो लोग गए भी वो भी तो भारत के ही थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अखंड भारत का नाम आपने भी सुना होगा, लेते भी होंगे आप लोग तो ये जो अखंड भारत है उसके तो तमाम लोग जो थे वो भारतीय थे। हाँ। तो अलग तो कोई भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने इसको धर्मशाला क्यों कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी जो भारत में रहेगा वो हिंदू राष्ट्र में ही रहेगा। हाँ। कोई ये नहीं कह रहा है तुम अपना तो मैं वही कह रहा हूँ, जब रहेंगे तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है हिंदू राष्ट्र? भाई पाकिस्तान क्यों बना मुस्लिम कंट्री? मतलब वहाँ पर 28% हिंदू थे ना उस टाइम जब भारत बदला। पाकिस्तान क्यों बना उससे हिंदुस्तान बन जाएगा ये नहीं होता, जरूरत क्यों है? जरूरत भैया ऐसे तो पाकिस्तान में भी भुखमर गया तो हिंदुस्तान में आ जाए। पाकिस्तान बना केवल इसलिए भारत बन जाए? नहीं बिल्कुल नहीं। भारत पाकिस्तान बना बहुसंख्यक के नाम पर, उसने पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बना लिया। तो भारत अगर बहुसंख्यक है हिंदू तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? जब ये कहा गया भारत में रहने वाले मुसलमानों ने ही पाकिस्तान बनवाया था और खुद पाकिस्तान में नहीं गए, वहाँ मरने नहीं गए, मरेंगे बनवाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश और मरेंगे यहाँ। आपको शायद डिवीजन के बारे में, आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है ये बताएं? संविधान खुद ही भारत का नहीं है, कहीं कहीं से ले लिया, कहीं कहीं से ले लिया, कहीं कहीं से। देश में जो सरकार है ये कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, तो वो हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहे हैं? अरे हिंदू हृदय सम्राट मैं बता रहा हूँ ना, आप बताइए मुस्लिम धर्म कितने साल का है? मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात मैं कर ही नहीं रहा। ये आज जो यहाँ आप सब इकट्ठे हुए हैं ना, वो हिंदू हृदय सम्राट की वजह से उड़का हुआ, नहीं तो अभी कांग्रेस होती ना उठा करके अभी पुलिस से पिटवा देती, सारे लोग इधर उधर भागे हुए होते। अच्छा भागे हुए होते। अच्छा आपको अगर थोड़ा सा इतिहास मालूम हो
तो आप सावरकर का नाम ले रहे हैं, हिंदू महासभा के नेता होते थे सावरकर, है ना? और उस हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, पता है आपको इस बात का? हाँ बिल्कुल पता है। हाँ, तो वो क्या था उसके इतने इतिहास के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उसके इतने इतिहास के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर फायदा दिखे तो ठीक है, फायदा ना दिखे तो भैया सुनिए, दो चार चीजें आप समझिए, ये जितनी चीजें हो रही है ना, उस समय भाजपा थी, ठीक है, ना उस समय भाजपा थी, ना उस समय अपना जनसंघ था। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं, दिल से उसका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए इकट्ठा एक मंच पर। जब इतने भाईचारे वाली बात है सर, तो ये टर्मिनोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? हिंदू राष्ट्र, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी एक समुदाय को जो है वो बिना बात का पुश किया जा रहा है, उग्र बनाया जा रहा है उनको। अगर उस समुदाय को डर लगता है तो समुदाय पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाए। मांग हो रही, उसमें समर्थन देने के लिए आए हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? MSc किए हुए हैं। नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी करने के लिए हम, अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उठाइए, यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने नौकरी ये पूछिए। 10 बच्चे पैदा करते तो इस तरह से क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा, मैं तो मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए कि बच्चा पैदा करना जरूरी है कि नहीं। तो जरूरी नहीं, सरकार क्या नौकरी घर में बना रही है? मशीन से नहीं बना रही, नौकरियां जो हैं जो सीमित हैं, मात्र 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं और जब 98% तो लोग काम ही करते हैं। हिंदू राष्ट्र की जरूरत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, संविधान तो नहीं कहता है। संविधान क्या कहता है आप समझो, मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है। हाँ। इसे भी हटना चाहिए। हाँ। 5 बार रोज हिंदी में कह के देखो, उसी दिन तुमको पता चल जाएगा। हाँ। कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में बताइए। नाम क्या है? मतलब नाम क्या आपका? ये नाम जानने की जरूरत नहीं, काम नहीं। आप लोग डराने वाला काम क्यों करते हैं? डर तो कोई लगता नहीं। अगर कोई हमसे डरता है तो उसमें सर, मुझे नहीं लगता कि हमारी कहीं गलती। लेकिन इस तरह की बातचीत चली जारी रहेगी? अगर कोई हमसे डरता है तो उसमें हमारी क्या गलती? नहीं नहीं, जब इस तरह के बयानात आते हैं इसलिए डरते हैं। और डर डर किसी का नहीं, ऐसा लगता है कि जब संविधान की ही आस्था नहीं रही, जब हमारे फोर फादर्स ने जो बनाया उसी की आस्था नहीं रही। अब आगे ना बात, फोर फादर्स कौन कौन? राजा राम फोर फादर्स, राजा हरिश्चंद्र फोर फादर्स, भगवान कृष्ण फोर फादर्स। जब जब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आतताइयों ने आकर हमला किया है, वहाँ पर कोई ना कोई अवतार हुआ है पैदा। हाँ, मतलब संविधान जो है वो नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? हाँ। संविधान कोई आसमान से आया? मेरे लोगों ने लिखा, B.N. राव ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, ये सब लोगों ने मिला। 299 क्या आसमान से आए थे? क्यों नहीं मानेंगे? हमारे लोगों ने लिखा संविधान, तो संविधान तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, क्यों नहीं करता है? हिंदुओं ने ही तो लिखा है, हिंदुओं ने ही तो लिखा है संविधान। संविधान किसने लिखा? नहीं, नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात कब करता है संविधान? संविधान जो है हिंदुओं ने ही लिखा, और भैया संविधान किसी और ने लिखा क्या? हमने अपने लिए संविधान बनाया। उनकी भी तो जितनी शिक्षाएं हैं सर, वो भाईचारे की बात। आप क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो बस हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, जिसको तकलीफ है देश छोड़ दे। संविधान, संविधान को जानते हैं? संविधान नाम क्या है? कुरान भी पढ़ सकता है विकिपीडिया पे, यूट्यूब पर, सब चीज पर। अब कोई किसी को रोक नहीं सकता। जो हिंदू, हिंदू जो ज्यादा है वो संविधान भी पढ़ता है क्या? संविधान जो है संविधान समिति ने बनाया है, कोई एक व्यक्ति ने घर से नहीं लिख के लाया, उसमें सबके लिए सब कुछ ऐड किया गया। पता है B.N. राव जो थे भारत के संविधान निर्माता, उन्होंने बहुत अच्छा संविधान लिखा। भारत में संविधान कोई एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं, सबने सबके लिखे लिया। वो हमारी संवैधानिक बुक है, ना कि कोई जबरदस्ती थोपी गई। हिंदू कोई चीज नहीं, हिंदू एक राष्ट्र है, इसमें हर आदमी आने वाला। अच्छा ये बताइए, सऊदी में जो है मुसलमान रहते? सऊदी छोड़िए ना, भारत की बात करिए। भारत की क्यों? मुसलमान तो भारत है। जो हमारे हिंदू को सिख बनाया जा रहा है, या वो बनाया जा रहा था, ये क्या नाम है, ईसाई धर्म अपनाया जा रहा। किसने कह दिया आपको?
देखें सर हम हिंदू, लेकिन हम हिंदू और हिंदू ही बन के रह रहे हैं, तब भी कोई आवाज नहीं उठाता है। हम लोग में एकता नहीं था, अब एकता हम लोग बनाए और एकता बनाएंगे। इंसान सब हम एक हैं, लेकिन यही है कि सबका अपना अपना धर्म अलग हो गया। आप कहाँ से आए हैं? हम तो नरेला से आए हैं। नरेला गुरुकुल से आए हैं। और कितने बच्चों को लेकर आए हैं? 40 बच्चों को लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं बच्चों को? मैं मानता हूँ कि किसी भी चैनल को बैन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा सुनने को मिला कि सुदर्शन न्यूज चैनल को बंद करने का यहाँ तो लिखा है षड्यंत्र, हमने सुना भाई, जैसा हमें मालूम हुआ कि भाई बंद किया जा रहा है। चौहान के का जो बयान है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमने जो है वो बयान नहीं पढ़ा, हमने ना देखा वो बयान। अब जैसे इस पे लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए ऐसा मानते हैं? क्योंकि संविधान में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मानेगा। नहीं, देखिए हम तो फिलहाल संविधान में आस्था रखते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए हिंदू राष्ट्र के ऊपर हमें यही कहना है कि भाई लोकतांत्रिक ढंग से इस प्रक्रिया को अगर इस देश के लोग चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। लेकिन जो सुरेश चौहान के जैसों का जो समूह है वो ये कहता है कि हथियार रखिए, हथियारों का जो है खुला प्रदर्शन करते हैं। इतना ज्यादा हम इस बारे में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इतना मेरा जरूर कहना है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर हमें बहुत अधिकार हैं, और उन अधिकारों का उपभोग करके हम कोई भी अपनी जायज मांग जो है मनवा सकते हैं। यहीं पर देखिए, धर्म एक अफीम की तरह है, धर्म का नशा बहुत घातक होता है। कुछ लोग धर्म की अफीम के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये है कि जंतर मंतर पर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, पूरा बैकग्राउंड क्या है, ये इनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी 40 बच्चों के साथ यहाँ पर आ गए। यही प्रोपेगेंडा का कमाल है, यही सोशल मीडिया पर चल रही तिकड़मबाजी का कमाल है कि आप जो सोचते हैं वो अगले व्यक्ति के मन में घुसा दे, अगला व्यक्ति रिसर्च नहीं करेगा, अगला व्यक्ति समझेगा नहीं। तो ये जो सज्जन हमसे बात कर रहे थे, इनकी पूरी आस्था संविधान में है, कहते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन असंवैधानिक बयानबाजी, असंवैधानिक शपथबाजी के लिए ये 40 बच्चों के साथ जंतर मंतर पर आ गए हैं। ये प्रोपेगेंडा का कमाल है, सुरेश चौहान के जी के प्रोपेगेंडा का कमाल। इस साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए, If you look at this from your side, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पड़ेगा।